क्वेश्चन नंबर 28 है, इनको एक्सपेंड करना है भाई, सिंपल से क्वेश्चंस हैं। तीन वेक्टर का क्रॉस है, इसको दूर वाले के साथ डॉट और इससे मल्टीप्लाई, माइनस फिर बी के साथ यानी पास वाले के साथ डॉट और दूसरे से मल्टीप्लाई, ये वैसे ये भी वैसे ही। अब ये वेक्टर है, वेक्टर का क्रॉस वेक्टर के साथ होता है, ये डॉट प्रोडक्ट स्केलर हो गया, ये वैसे ही बी का डी के साथ क्रॉस, ये वैसे ही, और फिर ए का डी के साथ क्रॉस, ये डॉट वैसे ही, ये फिर स्केलर है, ये वैसे ही आ जाएंगी। ये वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट यानी बी क्रॉस डी डॉट ई, और इस तरह ए क्रॉस डी डॉट ई हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। सेकंड पार्ट है उसी तरह, सी का ए के साथ डॉट बी से मल्टीप्लाई माइनस सी का बी के साथ डॉट और ए से मल्टीप्लाई, ये वैसे ही ये भी वैसे ही। अब ये वेक्टर है और इसमें ये वेक्टर है, ये डॉट वाले वैसे ही आ जाएंगे दोनों के, बी के साथ क्रॉस डी और ए के साथ क्रॉस डी, ये वैसे ही। अब फिर वेक्टर के साथ ही दोबारा क्रॉस, ये डॉट जो होता है ना वो स्केलर हो जाता है, तो बी क्रॉस डी क्रॉस ई स्केलर वैसे ही, ए क्रॉस डी क्रॉस ई, ये इसका था सेकंड पार्ट। ठीक है जी।